पार्टी का नया नया जुमा पदाधिकारी था, ये जो सरकार है टीम बिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्योंकि उनके मंत्री लोग घर पे बंगले पे बुला के मारान करते हैं, पुलिस के आगे कोई नहीं है। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। पिछले दिनों दीवा में कार्यरत पुलिस उप निरीक्षक सचिन सरडे और एनसीपी कार्यकर्ता के बीच हुए झड़प व छतरी से हाथ पे और सर पर मारने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर अब और तूल पकड़ते जा रहा है। दरअसल मामला ट्रैफिक हटाने को लेकर शुरू हुआ और बात दीवा चौकी तक पहुंची, फिर वही एनसीपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हंगामा खड़ा कर दिए, साथ ही साथ दीवा टर्निंग पॉइंट पर ट्रैफिक जाम कर दी थी, जिसमें समझाने आए उपनिरीक्षक सरडे को छतरी से मारने का मामला जो सामने आया था। बहरहाल इस घटना के बाद बीजेपी के आमदार निरंजन डोखरे ने सीपी को पत्र दिया, इस पर ठोस कार्रवाई किए जाने की मांग की। उसके बाद पूरे ठाणे जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पत्र देकर पुलिस पर हाथ उठाने वाले, उनके साथ मारपीट करने वाले एनसीपी कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन पुलिस ने इस घटना के पश्चात ही 8 लोगों पर मामला दर्ज किया था विभिन्न धाराओं के साथ। आज कलवा मुमरा के पुलिस स्टेशन में भी पत्र दिया गया। जिस तरह से पूरे ठाणे में जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग पुलिस स्टेशनों में पत्र दिया है, इसकी मांग की है। इस पूरे मामले में मनोहर सुखधरे ने क्या कहा है हम आपको सुनाएंगे, और रीदा रशीद ने क्या कहा है, क्या मांग की है वो भी आपको सुनाएंगे। कल से हमारे जिले के नेते निरंजन डावकरे साहब ने कल सिटी को मिलकर लेटर दिया हुआ है, ये विनंती दी है हमने और हमने हमारा सपोर्ट बताया है पुलिस को। इसलिए जो पुलिस के साथ हादसा हुआ है परसों, जो गुंडागिरी हुई है, जो यू नो जुम्मा वाले जो है जिनको पोस्ट क्या है, सत्ता है, सत्ता के जो बैगर्स होते हैं वो जो तरीका उन्होंने रस्ते पे बताया, लेकिन मैं जहाँ महाराष्ट्र की हूँ, महाराष्ट्र में पली हूँ, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस का एक रिस्पेक्ट है और पुलिस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक दायरा है पुलिस का, उसके आगे जाना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो दायरा तोड़ा, जो पुलिस के ऊपर गए, जो उन्होंने हाथ पर चलाया उनका, उसका निषेध करते हैं हम लोग। हमने पूछा पुलिस से क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, 2 जन का झगड़ा हुआ था, एक ऑटो वाला था और एक गाड़ी वाला था। गाड़ी में जो था वो सो कॉल किसी पार्टी का नया जुमा पदाधिकारी था, तो उसको भी पुलिस स्टेशन बुला गया। मतलब ईगो प्रॉब्लम होता है ना ये 4 दिन की सरकार को, तो उसके लिए उसने अपने लोगों को बुला लिया, हमारी सुनो, हमारे हवाले करो। पुलिस के आगे कोई नहीं है, पुलिस ने कह दिया हम हमारा कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी गुंडागिरी हो रही थी उसके नाते से वो जो भी कार्रवाई हुई है, और हमने बिल्कुल बोला है पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए। ये जो सरकार है टीम बिगाड़ा काम बिगाड़ा, जो काम बिगाड़ रही है लोगों का, इसलिए हमने पूरा बोला है कि इन पे कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे मुमरा के एक इंस्पेक्टर साहब है सचिन जी सरडे साहब, जिनको दीवा में राष्ट्रवादी के कुछ पदाधिकारी ने कार्यकर्ताओं ने मारहाण की है, और उस मारहाण के निषेध में ठाणे शहर के जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें हम लोग जाके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पत्रक दे रहे हैं कि जिन्होंने जो भी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ते पदाधिकारी ऐसे अधिकारी लोग को मारहाण करते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह दाखिल करके ऐसे जो राष्ट्रवादी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जो दादागिरी करते हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। एनसीपी के पदाधिकारियों को तो आदत हो गई है ना, क्योंकि उनके मंत्री लोग घर पे बंगले पे बुला के मारहाण करते हैं, तो उनके मंत्री जैसे व्यवहार करते हैं अधिकारी उनको मारहाण करने का, वैसे उनको आदत पड़ गई है पदाधिकारियों को एनसीपी के। आज आप देखो मुमरा में आज ड्रग का काम चालू है, जो कर रहे हैं उनको भी किसी ना किसी मंत्री की या किसी बड़े आदमी की साथ है, इसके लिए राष्ट्रवादी के सब पदाधिकारी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और आज कोरोना के काल में हमारे जो पुलिस बांधव है जिस तरह से काम कर रहे हैं, और ऐसे काम करने वाले सरकारी अधिकारियों के ऊपर अगर हमला करते हैं तो एनसीपी के लोगों का किस तरह से मॉरल बढ़ गया और किस तरह से वो गुनाह कर रहे हैं। तो आपने सुना बीजेपी की मांग है इन पे ठोस कार्रवाई हो। इस मामले में 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।